अगर मुझे इस लड़ाई में शहीद होना पड़े तो आंसू न बहाना। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे बाद मेरे तीन बेटे और हैं और उसके बाद मैं अपना आंचल फाड़ कर इसको परचम बनाऊंगी, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर न झुकाऊंगी। मरने से पहले ही खुद को शहीद का दर्जा देने वाले इस लड़के का नाम है असद अहमद। प्रयागराज या यूं कहें कि पूर्वांचल में असद अहमद नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि इसके पिता का नाम है अतीक अहमद। जी हाँ, वही अतीक अहमद जिसे माफिया अतीक अहमद कहा जाता है। एक जमाने में अतीक अहमद का डंका प्रयागराज में खूब चलता था, लेकिन वो कहानी अब पुरानी हो गई है। अगले तीन मिनट में हम आज असद अहमद की कहानी आपको सुनाएंगे। असद अहमद तक पुलिस कैसे पहुंची, ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। इसी साल 24 फरवरी को जब प्रयागराज में उमेश पाल पर हमला किया गया, तब असद को साफ निर्देश था कि वो इस हमले के दौरान कार में ही बैठा रहे, लेकिन वो कार से निकलकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा। और यहीं असद ने गलती कर दी, क्योंकि जब वो इस घटना को अंजाम दे रहा था तो बाहर लगे सीसीटीवी में उसके फुटेज कैद हो गए। बाद में ये फुटेज पुलिस की हाथ लगी। एसटीएफ ने अपनी कार्रवाई शुरू की। 48 दिन तक एसटीएफ की टीम असद के पीछे लगी थी। इसके लिए 18 टीमें बनाई गई। इसलिए एसटीएफ ने 4400 सिम कार्ड को ट्रैक किया, 9 राज्यों में छापेमारी की, 600 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की, पनाह देने वाले 7 मददगारों को गिरफ्तार किया, इनसे दोनों की लोकेशन मिली। इसी के बाद घेराबंदी की गई। उमेश पाल की हत्या में 6 शूटर लिप्त थे, असद, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, साविर, उस्मान और अरबाज। अरबाज और उस्मान का एनकाउंटर पहले ही हो चुका था। अतीक अहमद के 5 बेटे हैं। असद तीसरे नंबर का बेटा था। सबसे बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में है, दूसरे नंबर का अली नैनी जेल में है, चौथे और पांचवे नंबर का नाबालिग बेटे बाल सुधार गिरी असद अहमद प्रतिष्ठित स्कूल से 12वीं पास की, लेकिन पिता को देखकर माफिया गिरी का शौक ऐसे चढ़ा कि कम उम्र में ही गुंडागर्दी करने लगा। दोनों भाइयों के सरेंडर करने के बाद यही गैंग को ऑपरेट करने लगा था। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने शूटर गुलाम को असद का साथ नहीं छोड़ने के लिए कहा था। शाइस्ता ने गुलाम से कहा था कि असद मासूम बच्चा है, उसके साथ रहकर उसको बाहर निकालो। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से बातचीत के बाद असद को पुलिस से बचाने के लिए गल्फ कंट्री भागने का प्लान तैयार हुआ था, लेकिन पासपोर्ट सहित अन्य वजह से वो नहीं भाग सका। जानकारी के मुताबिक अतीक अहमद, शाइस्ता परवीन और अशरफ पुलिस को चकमा देकर लगातार असद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि असद कुछ समय नेपाल जाने की फिराक में था, लेकिन एसटीएफ की टीम पहले से लगी थी, इसी वजह से वो नहीं जा सका। इसके बाद गल्फ कंट्री भागने का प्लान बनाया गया। असद अहमद को शनिवार को प्रयागराज के कसारी मसारी गांव में उसके दादा के बगल में दफनाया गया। अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत लेने के लिए अतीक ने प्रयागराज की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि याचिका पर सुनवाई होने से पहले ही इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार असद को दफना दिया गया। असद के परिवार का कोई भी सदस्य उसके जनाजे में मौजूद नहीं था। ऐसे में नाना और फूफा ने आखिरी रस्में किया। सूत्रों ने बताया कि असद के जनाजे में नहीं जा पाने के चलते अतीक अहमद बेहद दुखी है। लॉकअप के अंदर एक बोरी पर लेटे हुए आंसू बहा रहा है। अतीक ने पुलिस कर्मियों से कहा है, मेरे बेटे के जनाजे में शामिल होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अल्लाह सब कुछ देख रहा है, वो किसी को भी माफ नहीं करेगा। तुम सब मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। फ्रेश बैच की शुरुआत 13 अप्रैल से होने वाली है। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।